सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। झालसा रांची के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह बीना मिश्रा के मार्गदर्शन में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से उच्च विद्यालय मकतपुर गिरिडीह में छात्रों के बीच कानूनी जागरूकता सह साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सौरव कुमार गौतम ने इस दिवस को महत्ता बताते हुए कहा कि आज का दिन पूरे विश्व स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में पूरे वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों का घोषणा पत्र की घोषणा की गई थी। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आने वाले सभी देशों ने अपने अपने सीमाओं के अंतर्गत रहने वाले आम नागरिकों एवं मानव प्रजाति के मूलभूत अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान किए। इसी कड़ी में जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो यहां भी इसके समस्त नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा हेतु बहुत सारे मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। यह वैश्विक स्तर पर प्रत्येक मनुष्य को मूलभूत मानवीय अधिकार प्रदान करता है जिसका पालन किया जाना आवश्यक है। एक मनुष्य के रूप में जन्म लेने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आजीविका के संचालन का अधिकार, अपनी आस्था एवं अभिव्यक्ति को प्रकट करने का अधिकार। इस प्रकार के अनेकों अधिकार मानवाधिकारों की श्रेणी में आते हैं। इन अधिकारों के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में भी इसके समस्त नागरिकों के लिए मूलभूत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इसका अनुपालन करना देश के सभी के लिए बाध्यकारी है। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की जवाबदेही सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान किया गया है जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। उन्होंने उपस्थित छात्रों को संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों मूल कर्तव्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने सभी छात्रों को सलाह दी कि सभी लोग भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी अनिवार्य रूप से रखें। गिरिडीह से चंदन पांडे की रिपोर्ट।